नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। क्या आपको मालूम है भीम आर्मी के अध्यक्ष को रोका जा रहा है भीमा कोरेगांव जाने से? मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और अपडेट लीजिए। जैसा कि आपको मालूम होगा, आईआईटी बीएचयू में 1 नवंबर को एक बलात्कार की घटना सामने आई थी, जहां पर 3 युवकों ने एक युवती का क्या बोलते हैं रेप किया था और उसका वीडियो बनाया था। गन पॉइंट पर यह रेप किया गया था। अब आपकी स्क्रीन पे कुछ चल रहा होगा, ये तीनों युवक पकड़ा गए हैं। नाम सुनिए इनका, कुणाल पांडे संयोजक बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर, सक्षम पटेल सह संयोजक बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर, आनंद उफ अभिषेक चौहान कार्य समिति सदस्य बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर। तीनों आरोपियों में एक चीज कॉमन है दोस्तों, कि तीनों बीजेपी आईटी सेल के वर्कर है, तीनों बीजेपी आईटी सेल के कर्मचारी है। कुछ फोटो आपके स्क्रीन पर चल रही होगी, ये जो तीनों आरोपी है इनकी फोटो आप देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ देख सकते हैं। और कुछ फोटो चल रही होगी, ये फोटो है देश की महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी की, उनके साथ भी आप इनमें से एक आरोपी की फोटो देख सकते हैं। तो देखा आपने कि इस देश में बलात्कार कौन कर रहा है, इस देश में अराजकता कौन फैला रहा है, इस देश में दंगे कौन फैला रहा है। वो सभी लोग एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं और इनका जो लिंक है वो बीजेपी से निकल कर आ रहा है, और ये तीनों बीजेपी आईटी सेल के वर्कर हैं। इसी की ध्वस दिखाकर और गन पता नहीं इनको कैसे मिल गई, लाइसेंस कैसे मिल गया गन का, उस गन पॉइंट पे उस लड़की का 1 नवंबर को इन्होंने बलात्कार किया था, उसका एमएमएस बनाया था और गन पॉइंट के ऊपर रेप की घटना जो सामने आई थी। तो आप इस घटना को लेकर क्या बोलते हो नीचे कमेंट करें। दोस्तों अगली खबर है चंद्रशेखर आजाद को लेकर। चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है आजाद समाज पार्टी, उसने राजस्थान में बड़ा ऐलान किया है कि राजस्थान में आजाद समाज पार्टी जो 25 सीटें हैं लोकसभा की, उस पर चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है। प्रदेश प्रभारी सत्यपाल चौधरी ने कहा है कि आजाद समाज पार्टी राजस्थान की सभी 25 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है, बाकी गठबंधन के द्वार सभी के खुले हैं। विधानसभा चुनाव में गठबंधन हुआ था, जिसमें गठबंधन को हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर के गठबंधन को करीब 14 लाख वोट मिले थे और अकेले चंद्रशेखर की पार्टी आजाद समाज पार्टी को करीब करीब 4 लाख वोट मिले थे। तो गठबंधन होगा तो हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी और गठबंधन की साथी पार्टी कुछ सीटें हासिल कर सकती है राजस्थान में और अच्छा चुनाव लड़ेगी। हालांकि अभी खबर यही आ रही है कि पूरी राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम होगा, 1 जनवरी को हम सभी का शौर्य दिवस होता है, जहां 500 महारों ने 28,000 पेशवा ब्राह्मणों की सेना को धूल चटा दी थी भीमा कोरेगांव में। तो दोस्तों खबर निकल कर आ रही है, ये देखिए आप स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा। विनय रतन सिंह जो कि भीम आर्मी के अभी वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको भीमा कोरेगांव जाने से रोका जा रहा है महाराष्ट्र प्रशासन की ओर से। और महाराष्ट्र में अभी सरकार किसकी है, बीजेपी समर्थक शिवसेना की, यानी कि एकनाथ शिंदे वहां के भाई मुख्यमंत्री है और बीजेपी के साथ गठबंधन है। तो दोस्तों आप देख सकते हो विनय रतन सिंह ने अपने ट्विटर के ऊपर लिखा है, भीमा कोरेगांव हमारे शौर्य की गाथा है, महाराष्ट्र सरकार मुझे वहां आने से नोटिस भेजकर रोकने का प्रयास कर रही है। अपने पूर्वजों को नमन करना मेरा अधिकार है, मैं नमन करने अवश्य जाऊंगा। तो ये आप ये देख सकते हो महाराष्ट्र सरकार का जो नोटिफिकेशन है आपके स्क्रीन के ऊपर चल रहा होगा, जिसमें विनय रतन सिंह जो भीम आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको रोका जा रहा है बंधन करने से, हमारे शौर्य स्तंभ को बंधन करने से। तो आप देख सकते हो जहां भी ये भाजपा की सरकार है, जहां भी भाजपा के वर्कर है वो बलात्कार में लिप्त पाए जा रहे हैं, और जहां पे उनकी सरकार होती है वह हमारे जो शौर्य का स्मारक है, हमारा जो शौर्य स्तंभ है वहां पर हमें बंधन करने से भी रोका जा रहा है। तो भाजपा के कुकृत्य को लेकर आप क्या कहोगे, महाराष्ट्र प्रशासन को लेकर क्या कहोगे, नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना मिले। अगले मिलते हैं अगली वीडियो में।